depreciation under income tax act. ये last class में बात की थी कि जब आप profit और gain from business और profession, जो बिजनेस हेड डिस्कस करेंगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है बिजनेस का, उसमें टू डेप्रिसिएशन जो फिगर कोट करेंगे उसके रिगार्डिंग ये सारी डिस्कशन हो रही है। बिजनेस के चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टर्म है डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन गलत हुआ तो आपका नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट सब अफेक्ट होंगे। इस वजह से अपा ये क्या है टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 32 जो इसका क्या है चार्जिंग सेक्शन, वो डेप्रिसिएशन की डिस्कशन करता है। लास्ट क्लास में अपन ने बात की डेप्रिसिएशन में क्या कि डेप्रिसिएशन उन्हीं असेट्स पे लगेगा जो बिजनेस में यूज्ड हो और बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती हो। अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती तो यू कांट चार्ज डेप्रिसिएशन। मीन्स पर्सनल असेट है मेरी, बैलेंस शीट में नहीं है, मैंने फॉर द टाइम बिजनेस में यूज किया, तो उसका डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते। उल्टा कर लो, बिजनेस की बैलेंस शीट में कोई एसेट है बट यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस ओनली, अगर ऐसा है तो भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा। हाँ, अगर एक बिजनेस की कार है जो बैलेंस शीट में स्टैंड करती है लेकिन आप उसका कुछ जो परसेंटेज है वो पर्सनल यूज करते हो, मान लो 2 लाख की कार है जिसपे 2 लाख की कार है मान लो, उस पर 15% आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना हुआ 30। लेकिन मैं कहता हूं कि बिजनेस यूज में ये सिर्फ 70% आती है, 30% क्या है पर्सनल यूज। तो इस सिचुएशन के अंदर आप 21,000 ही डेप्रिसिएशन लगा पाएंगे। आपको डेप्रिसिएशन भूल जाना है पर्सनल वाला, ये कोई डेप्रिसिएशन होता ही नहीं। WDV ऑफ कार कितनी लेके चलेंगे आप, 2 लाख माइनस 21, कितनी 179 फॉर नेक्स्ट ईयर। अब 179 लेके चलेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, सही है। ऐसा अपन ने डिस्कस किया था, अकाउंटेंसी में शायद वो अलग ट्रीटमेंट है कि कार की वैल्यू पूरी रिड्यूस डाउन कर देते हैं 30। नो, इनकम टैक्स में पर्सनल यूज का कोई डेप्रिसिएशन होता ही नहीं, इसलिए डेप्रिसिएशन जो बैलेंस वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त लेस होगा सिर्फ वो जो इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड है 21। क्लियर, कोई डाउट? ये बात की फिर अपन ने पढ़ा डेप्रिसिएशन जो है या फुल ईयर का लगता है या हाफ ईयर का लगता है या लगता ही नहीं। तीन सिचुएशन है, या तो निल डेप्रिसिएशन या फुल ईयर डेप्रिसिएशन या हाफ ईयर डेप्रिसिएशन। ये अपन ने सिचुएशन पढ़ी, एसेट नॉट एग्जिस्टेड इन बैलेंस शीट, एग्जिस्टेड इन बैलेंस शीट, असेट बैलेंस शीट में ही नहीं तो डेप्रिसिएशन लगना भी नहीं। जैसे अपना प्रीवियस ईयर है 2021, मार्च प्रीवियस ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 है, आप बैलेंस शीट बना रहे हो मार्च 21 में, बैलेंस शीट बना रहे हो उस वक्त कोई असेट बैलेंस शीट में नहीं है, बेच दी पहली आपने, तो यू विल नॉट बी एबल टू चार्ज डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाएंगे। फुल ईयर या हाफ ईयर कब लगेगा, अगर इफ एसेट एग्जिस्टेड इन बैलेंस शीट, अगर असेट बैलेंस शीट में है डेप्रिसिएशन लगेगा अगर वो डेप्रिसिएबल असेट्स है तो, लेकिन लगेगा या तो फुल ईयर का या हाफ ईयर का। अगर मोर देन 180 और मोर देन 180 डेज पुट टू यूज्ड है तो फुल ईयर, और लेस देन 180 डेज यूज्ड है तो वो हाफ ईयर। और ये सारी रेकनिंग फर्स्ट ईयर की है, मान लो मैंने एसी खरीदा और उसे पुट टू यूज किया, बात है लास्ट ईयर की 1920 प्रीवियस ईयर की बात है, जनरेटर खरीद लेते हैं, जनरेटर परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 1 दिसंबर 2019, 2 लाख का जनरेटर है ये, डेप्रिसिएशन की रेट जनरेटर पे कितनी होगी, हाँ जी डेप्रिसिएशन की रेट 15। लास्ट क्लास में बात की थी कि जिनकी रेट स्पेसिफाई है तो वो लो, और जिनकी रेट स्पेसिफाई नहीं तो देखो
कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? मशीन। किस में जाएगा? 15%। आप बताओ इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाऊं? कब लगाई थी लास्ट ईयर आपने ये जनरेटर? कब पुट्टी यूज किया? दिसंबर 19, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रोक्स 120। काउंट कर लो, परचेज का डे भी काउंट करना होता है। डेज काउंट करोगे तो दिसंबर के कितने हो गए? 31। जनवरी के कितने हो गए? 31। फरवरी के 29, क्योंकि 1920 किसका है? लीप ईयर। और मार्च के 31, करीब 120-122 डेज बनेंगे। तो लेस देन 180 है ना। डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे आप? आप लगाओगे 2 लाख का 15%। हाफ ईयर का कितना डेप्रिसिएशन लगा दोगे? 15। WDV ऑफ जनरेटर, जनरेटर की WDV कितनी आ जाएगी? 2 लाख माइनस 15, 185। अब मुझे कहता है इसके बाद 10 महीने जनरेटर यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने इतनी बढ़िया फैसिलिटी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, बिजली जाती नहीं, ऐसा सिस्टम हो गया, और 10 मंथ्स जनरेटर यूज ही नहीं हुआ। लास्ट फरवरी और मार्च 2021 में यूज हुआ, तो क्या डेप्रिसिएशन अब फिर हाफ ईयर? नो, अब वो जनरेटर काम पे लग चुका है ना, पुट टू यूज हो चुका है, वो तो तैयार है, कब हैंडल घुमा लो स्टार्ट हो जाएगा वो। इट मींस वो पुट टू यूज है, किस लिए लगाते हैं? ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, जब जरूरत हो चला लो। अब इस पे डेप्रिसिएशन आपको अगले साल किसका लगाना है? ईयर 2021 में डेप्रिसिएशन 185 का क्या लगेगा? 15%। इसमें अब कम नहीं होना। पुट टू यूज का रूल वेरी फर्स्ट ईयर में देखना है, इन विच असेट हैज बीन परचेज्ड एंड पुट टू यूज, उस साल देखना है कि लेस देन 180 डेज यूज्ड है तो हाफ ईयर, वरना फुल ईयर। नेक्स्ट ईयर तो फ्रॉम द बिगनिंग ये क्या है? पुट टू यूज है। क्लियर? समझ आया? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कब फुल ईयर और कब हाफ ईयर। ये बात की अपन ने, पर्सनल बात की। ओके, एक ट्रैक्टर है वो चाय और कॉफी के एस्टेट में काम करता है, और चाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है वो। अच्छा, आपका काम क्या है? टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का, आपकी आपका काम है टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का। आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं कि इसकी टोटल इनकम फाइंड कर लो। टोटल इनकम जितनी भी आएगी उसका 60% कौन सी इनकम होती है? एग्रीकल्चरल। बिजनेस की इनकम नॉन एग्रीकल्चरल कह लो या बिजनेस की इनकम कह लो कितनी है? 60-40। मान लो आपकी 10 लाख इनकम है, क्या चीज की? टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। आपके रियल एस्टेट का मतलब वो कॉफी स्टेट या टी स्टेट है आपकी, वहां पे उगाते भी हैं और अपनी फैक्ट्री में उन्हीं टी लीव से चाय बनाते भी हैं। तो इसमें जो टोटल इनकम बची उसमें से 6 लाख एग्रीकल्चर, 4 लाख कौन सी होगी? बिजनेस। ये 60-40 तो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। मान लो आपके पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रैक्टर जिसकी 1 अप्रैल 2020 के अंदर WDV है या आपने परचेज किया है ट्रैक्टर, मान लो 4 लाख का, तो उस पर डेप्रिसिएशन की रेट 15% है। तो आप उसकी WDV कितनी लिख लेंगे? 4 लाख माइनस 4 लाख का 15% कितना? 60, 3 लाख 40। कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि एग्रीकल्चरल वाला डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं होना, ना। जब आपने ये 10 लाख इनकम निकाली होगी तो आपने कितने में वो चाय बेची, मैन्युफैक्चर टी बेची? लेस। जब एक्सपेंडिचर किए होंगे आपने, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन कितना डाला होगा? पूरा कितने रुपए टोटल डेप्रिसिएशन डाला होगा? 60 ऑन ट्रैक्टर खर्चों में। तो अपने आप इनकम जो आई उसका 60-40 हो गया। WDV जो है पूरा डेप्रिसिएशन कम करके आएगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, कई बार माइंड में ये रह जाता है वो पर्सनल वाला डेप्रिसिएशन नहीं लगता ना, पर्सनल यूज का, कहीं वो थ्योरी माइंड में ना रह जाए। तो आपको याद रखना है WDV टोटल डेप्रिसिएशन कम करके आएगी।
चाहे वो एग्रीकल्चर में यूज हो, थोड़ा बिजनेस में यूज हो, टोटल डेप्रिसिएशन कम कर दो और बैलेंस WDV आएगी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है तो WDV इस तरह आएगी। समझ आइए कि ये डेप्रिसिएशन का फंडा क्या है। अगर चाय, कॉफी, रबर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग का काम है तो ओके। तो सेक्शन 32 बेसिक सेक्शन है, वो कहता है डेप्रिसिएशन लगेगा बिल्डिंग पे, मशीन पे, फर्नीचर पे, लैंड पे नहीं। लैंड पे नहीं लगता ना, क्योंकि लैंड क्या है, लैंड एक नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स है, क्योंकि इसकी लाइफ क्या है, अनलिमिटेड। लैंड का कुछ बिगड़ता है क्या? अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो हमारे स्मॉल सिटीज में बात करूं तो बड़े लोग गलत डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर को नॉलेज हो तो वो चैलेंज कर सकता है। मान लो मैंने एक शॉप खरीदी 60 लाख की, वो लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें लैंड के 40 अराउंड मान लो 20 बिल्डिंग, तो यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन ओवर द बिल्डिंग पोर्शन ओनली। 40 लाख की लैंड पे कैसा डेप्रिसिएशन लगा रहे हो आप? लैंड का तो कुछ ही नहीं बिगड़ना है। तो इसलिए लोग डेप्रिसिएशन गलत लगा रहे होते हैं, पूरी लैंड एंड बिल्डिंग पे लगा देते हैं, जबकि इनकम टैक्स एक्ट में ओनली डेप्रिसिएशन अलाउड है किस पे, बिल्डिंग पे, लैंड पे नहीं। ओके, फिर कहता है कि डेप्रिसिएशन कुछ इंटेंजिबल असेट्स पे भी लगता है। इंटेंजिबल असेट्स जैसे कि टेक्निकल नॉलेज, जैसे फॉर्मूला, मेडिसिन का सोल्ट है आपके पास, ऐसा कोई पेटेंट है किसी चीज को बनाने का, जैसे मेडिसिन का या कोई भी चीज का पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई बुक राइटर से लिया है कॉपीराइट, कोई ट्रेडमार्क है आपके पास, हल्दीराम का ब्रांड खरीदा आपने मान लो, ऐसा कोई और फ्रेंचाइज लिया आपने, इन सब चीजों पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। इन सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स है ना, सारी इंटेंजिबल असेट्स, चाहे वो किसी चीज का कॉपीराइट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो, फॉर्मूला वगैरह, टेक्निकल नो हाउ कह लो, ठीक, ये सब चीजों पे 25% डेप्रिसिएशन की रेट रखी गई है। ये सब इंटेंजिबल असेट्स है, इन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 25%। एक ही कैटेगरी है सबकी, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, 25% में आती है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी वर्ड जब भी हम यूज करेंगे तो एक सेक्शन है 43(3), नीचे बता रहे, एक नोट लगा हुआ है, वो कह रहा है प्लांट इंक्लूड शिप, बुक्स, व्हीकल, साइंटिफिक अपार्टस, सर्जिकल इक्विपमेंट, सब कुछ किस में कवर है, प्लांट में। यानी प्लांट वर्ड का मीनिंग बड़ा वास्ट है। जो मान लो मेरे पास बुक्स हैं तो वो भी एक तरह से प्लांट है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन की रेट हमें अलग से बता दी गई है। इस वजह से क्या है, उसको प्लांट की तरह मानते हुए 15% नहीं लगाएंगे। इनमें से जिसकी रेट डिफाइन अलग से नहीं होगी उस पर कितना लगाएंगे, 15। बुक्स का अलग से रेट है 40, कंप्यूटर का अलग से रेट है 40, कार का अलग से रेट है 15%। तो जिनका रेट है व्हीकल्स में, कारों का रेट अलग है। चलो, तो और वेंटिलेटर वगैरह जो डॉक्टर के पास होता है ना, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, उन पे 40% है, हम पढ़ेंगे। ओके, तो जिस पे कोई रेट ना मेंशन होगी तो उसको प्लांट एंड मशीनरी में कवर करते हुए कितना लगा देंगे, 15। क्या बिल्डिंग मशीन में कवर हो सकती है, नहीं। फर्नीचर कवर हो सकता है, नहीं। लाइफ स्टॉक, कैमल आपके पास, हॉर्स आपके पास, क्या आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, कोई रूल ही नहीं है, रूल बना ही नहीं। मान लो आपके पास वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 कैमल हैं, 2 हॉर्सेस हैं, आपका बिजनेस ही ऐसा है जिसमें हॉर्सेस पे माल लोड कर करके हिली एरिया में आता है, तो उस पे डेप्रिसिएशन लाइफ स्टॉक पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इम्पॉसिबल है, उनकी लाइफ फिक्स करना मुश्किल है, कब मर जाए कोई पता नहीं, और जी जाए तो कई साल, तो उनकी लाइफ डिटरमाइन करना मुश्किल है। सो वी आर नॉट एबल टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लाइफ स्टॉक। ओके, डेप्रिसिएशन लगाना मैंडेटरी है, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। कोई ये कहे कि मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाना चाहता, नहीं, लगाना पड़ेगा, ना कम लगाना ना ज्यादा लगाना, बताया था ना कम लगाना। कई बार क्या कोई अकाउंटेंट एडवोकेट साहब कहते हैं कि सर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाता, इट्स माई चॉइस, इनकम टैक्स का तो फायदा है कि अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा मेरे प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, इनकम टैक्स को क्या तकलीफ है, तकलीफ है।
आज तू डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाना चाहता? बिकॉज योर प्रॉफिट इज लेस देन 250, एग्जम्प्ट है। आप कहते जी मेरे प्रॉफिट 2,40,000 है, अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा सेट पे, सपोज बिल्डिंग 2 लाख की है, 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 20, बिल्डिंग 180 की रह जाएगी और आपकी इनकम कम मौके क्या आ जाएगी 220। 220 पे भी टैक्स जीरो है, 240 पे भी टैक्स जीरो है, 250 एग्जम्प्ट है। तो आप चाहते ही नहीं कि मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं, ताकि अगले साल आप किस पे डेप्रिसिएशन लगा पाओगे 180 की बजाय 2 लाख पे। 180 पे लगेगा 18,000, ना लगाओगे इस साल तो कितना लगेगा 20,000। नॉट अलाउड, इनकम टैक्स कहता है इट इज मैंडेटरी टू चार्ज डेप्रिसिएशन, लगाना पड़ेगा ना कम ना ज्यादा। नॉन चार्जिंग भी अलाउड नहीं। हम लोगों की ऑडिट करते हैं इनकम टैक्स की, बड़े अकाउंटेंट लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं डाला हुआ P&L में। हम उनको समझाते हैं भाई ये जरूरी होता है, वो नहीं समझता, कहता मैं नहीं क्लेम करना चाहता। फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देते हैं भाई इस बंदे का डेप्रिसिएशन ये बनता है। अब नहीं लगाए, हमारा काम खत्म, हमने इनकम टैक्स को बता दिया कि इस बंदे का डेप्रिसिएशन ये बनता है विच इज रिक्वायर्ड टू बी चार्ज एज पर इनकम टैक्स एक्ट। पर बंदे ने अपनी बुक्स अकाउंट में नहीं लगाया, हमने अपना काम कर दिया, लिख के छोड़ दिया, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स इट इज मैंडेटरी टू चार्ज डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगता है? लास्ट क्लास में बात की, WDV स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउड नहीं है, कम वैल्यू पे लगाते जाओ डेप्रिसिएशन, ये पड़ा था बिजनेस में यूज आए। ओके, स्टैंड बाय मशीन लेके रखी है, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का केस है, क्या डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं? यस, मान लो आपने गाड़ी का इंजन ही एक्स्ट्रा लेके रखा, पर गाड़ी का इंजन तो शायद कोई लेता होगा, लेकिन एक फोटोस्टेट की मशीन का आपने मोटर एक्स्ट्रा लेके रख लिया, क्योंकि वो मोटर इंपोर्टेड मशीन है, खराब होगी तो वो मोटर यहां से मिलेगी नहीं, आपका काम रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम को आने में कई महीने भी लग सकते हैं। तो आपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मोटर एक्स्ट्रा लेके रखी, तो ऑफिसर कहता है ये तो यूज ही नहीं हुई। आप कहते हो सर ये इट्स अ पार्ट ऑफ मशीन, मशीन का ही पार्ट है, तो हमें क्या है इस पे डेप्रिसिएशन लगाने दिया जाए? कोर्ट ने कहा लगाने दिया जाए, इस तरह के पार्ट मशीन में ही जोड़ देने चाहिए, जो इस तरह के एक्स्ट्रा पार्ट लेके रखते हैं मस्ट बी एडेड टू द रिस्पेक्टिव मशीन, और उस पे डेप्रिसिएशन एक्सेस मतलब थोड़ा ज्यादा लगना चाहिए, लगाने दिया जाए, लगाने दिया जाए ऐसा। तो अलाउड है, ये पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है पंजाब का, उसके केस में कोर्ट ने माना कि एक्स्ट्रा इंजन पे लगाने दिया जाए। मैंने एक डेट याद करने को कहा था आपको, 180 डेज गिनने नहीं पड़ेंगे क्या? 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर के बाद काम पे लगाओगे तो हाफ ईयर, 3 अक्टूबर या उससे पहले पुट टू यूज कर दोगे तो फुल ईयर, क्योंकि 180 डेज हो जाएंगे। सेक्शन 38 नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 देखो इसमें, सेक्शन 38 क्लियर कह रहा है जो पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल होगी तो डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट लगेगा। सिर्फ कौन से वाला लगेगा? बिजनेस बिजनेस यूज वाला डेप्रिसिएशन लगेगा और डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ओके, सेक्शन 38 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस चिरंजी लाल के केस में कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट ईयर की WDV जो सोल्व करेंगे बिजनेस यूज वाला डेप्रिसिएशन काट के सोल्व करेंगे, बस नोशनल नहीं कि अगर अपा सारी बिजनेस में यूज करते तो डेप्रिसिएशन कितना लगता, भूल जाओ। अभी क्वेश्चन कर रहा था कार 2 लाख की डेप्रिसिएशन हमने कैसे लगाया, 70% बिजनेस में यूज हो रही थी तो 30,000 का 70% कितना लगाया 21, नेक्स्ट ईयर की WDV कितनी लिखी 169, ये लगाना है ना कि पूरा 30। ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस चिरंजी लाल के केस में भी डिसाइड हुआ है। मेरी एक कंपनी है, एम्प्लॉय के घर में AC लगा दिया, एम्प्लॉय के घर में फ्रिज रख दिया, कंपनी वाले एम्प्लॉय को फैसिलिटी देते हैं ना, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? मान लो चलो मैं प्रोप्राइटर हूं, मैंने एक एम्प्लॉय को कूलर दे दिया, ये लो 10,000 वाला कूलर, यार गर्मी बहुत है लगा लो घर में, वो कूलर तो मेरा है यूज करने के लिए दे दिया, भी फैसिलिटी देनी पड़ती है बंदे को, क्या डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं उस कूलर पे? हम बिल्कुल लगा सकते हैं, बिजनेस यूज है, मेरे घर में लगा है क्या कूलर,
नहीं, एम्प्लॉई के घर में लगा है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस फैसिलिटी है, पार्ट ऑफ परक्विजिट है एम्प्लॉई के लिए, तो ये कूलर टूट रहा है, आई कैन चार्ज डेप्रिसिएशन, उस पर लगा सकते हैं। क्लियर ये चीज है। और एक कह रहा है अगर हार्ड परचेज पे कोई चीज खरीदे, किश्तों में होता है ना कि मान लो एक चीज का कैश प्राइस है, मान लो कार का 7 लाख, कार है जिसका कैश प्राइस 7 लाख है, पर आप इंस्टॉलमेंट में क्या दे रहे हो, 2 लाख पर एनम, 4 ईयर में दे रहे हो 8 लाख, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, डेप्रिसिएशन ऑन कैश प्राइस ओनली 7 लाख में। इंटरेस्ट है बाकी तो जो आप 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो इंस्टॉलमेंट में, तो टोटल इंटरेस्ट कितने रुपए का है, 1 लाख का। इट इज टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट के पोर्शन पे नहीं लगना, किस पे लगेगा, ओनली 7 लाख की जो ओरिजिनल कॉस्ट है, उसकी कैश प्राइस है, उस पे लगेगा। सही है, बोलो कोई डाउट? ये चीज भी आपको माइंड में रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कहता है एग्रीकल्चर वाला, बता चुका हूं डेप्रिसिएशन पूरा कट करना है WDV में से, बस डेप्रिसिएशन पूरा माइनस होगा। अगर असेट 1000 की 10% डेप्रिसिएशन है तो वो 900 की रह जाएगी, चाहे वो असेट कुछ बिजनेस में और कुछ एग्रीकल्चर में यूज हुई है, कोई बात नहीं, WDV पूरी कम कर देंगे, एग्जाम्पल दे रहा है। नेक्स्ट, रेंटेड, फिफ्थ पार्ट, रेंटेड बिल्डिंग में क्या हम किसी चीज पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं? लास्ट क्लास में बात हुई थी, यस भाई, मैंने वहां अल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर अपना लगा लिया, उस पे लगा सकता हूं डेप्रिसिएशन, CCTV अपने लगा लिए उस पे लगा सकता हूं, बिल्डिंग पे नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि वो किसकी है, ओनर की, जो मेरा है, मैंने वहां इंस्टॉल किया, वो तो पुराना हो रहा है, उस पर मैं डेप्रिसिएशन लगा सकता हूं। ये कह रहा है बेनिफिशियल ओनर की भी डिस्कशन होगी। मान लो कोई प्रॉपर्टी राम के नाम नहीं, राम के फादर के नाम है, राम उसको यूज कर रहा है बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग पुरानी हो रही है तो राम कैन चार्ज डेप्रिसिएशन। रजिस्टर्ड ओनर होना जरूरी नहीं, बेनिफिशियल ओनर हो तो भी आप क्या है, डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। सही है, चलो ये ब्लॉक ऑफ असेट्स का सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में अभी पढ़ रहा हूं, एक बार एक क्विक ओवरव्यू ले ले रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन के, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हमने, किए थे, देख लो एक बार। WDV की रेट है, रूल 5(1) बता रहा है डेप्रिसिएशन की रेट्स बाय WDV मेथड। हर कोई कौन सा मेथड लगाएगा, WDV। SLM कौन लगा सकता है, पावर यूनिट्स, बिजली जनरेट करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग, और उनकी रेट जो है ये वाली नहीं है, उनकी रेट बड़ी बेकार है, 8.11, कहीं 8.24, कहीं 7 point something, वो रेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आती, वो सिर्फ बिजली जो जनरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए अपेंडिक्स इनकम टैक्स एक्ट में अवेलेबल है, तो वो हम नहीं पढ़ते। हम तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को छोड़ के बाकी जो कंपनी है, चाहे प्रोपराइटर चाहे पार्टनरशिप, वो डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाते हैं, WDV। उनकी रेट्स जो हैं रूल 5(1) में दे रखी हैं। सेक्शन तो बेसिक 32 है, रूल 5(1) के अंदर वो सारी रेट्स हैं। क्या बिल्डिंग स्टाफ क्वार्टर है तो कितना लगेगा, 5%। रेजिडेंशियल स्टाफ क्वार्टर है ना, अपने घर पे नहीं लगा सकते आप, लेकिन फैक्ट्री में स्टाफ क्वार्टर बना रखे हैं उस पे कितना लगाएंगे, 5। एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर 10 क्वार्टर बने हुए हैं टीचर्स के लिए, तो कॉलेज के ओनर को जब अपना P&L बनाना है तो उस स्टाफ क्वार्टर पे वो कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 5%। और बिल्डिंग्स पे कितना लगेगा, 10। आगे चलो, सारी बिल्डिंग, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन, होटल्स, थिएटर, सब पे कितना है, 10। टेम्पररी बिल्डिंग है, बताया था लास्ट क्लास में भी, खोखा टाइप है, हवा के साथ ही बह गया, ऐसा स्ट्रक्चर है तो कितना, 40। कई बार आपने देखा होगा वाटर सप्लाई के लिए ट्यूबल वगैरह लगा रखा है, फैक्ट्री में पानी सप्लाई के लिए एक ट्यूबल जमीन से निकालते हैं ना पानी, तो उसके साथ भी मोटर पे पानी वानी पड़ के कहीं जल ना जाए वो, तो एक रूम बना रखा होता है
जहां पे वो पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, पानी का उसका स्विच लगाया ऑन ऑफ करने का और सारा कंट्रोल, तो उस रूम पे भी कितना, बिल्डिंग पे कितना लगाएंगे, 40, उस पे भी 40 अलाउ किया गया है। तो टेम्परेरी इरेक्शन है हट टाइप वुडन की 40, पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के लिए कोई बिल्डिंग बनाई है, छोटा मोटा रूम बनाया तो कितना, 40। और बिल्डिंग में रोड भी आती है, नीचे नोट है, मान लो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री बहुत बड़ी है, मान लो 10 एकड़ में फैली हुई है फैक्ट्री, 10 एकड़ में, तो फैक्ट्री में एक दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता कच्चा है तो एक रोड बना ली जिस पे ट्रक जा सके आ सके, तो रोड कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा लगा है इट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग। कुएं वगैरह होते हैं पानी के लिए, अब तो कौन से कुएं रह गए, पानी आता ही नहीं कुएं में, पानी गहरा ही बहुत हो गया, पर अगर कुछ है वाटर वेल है या रोड है, कोई इस तरह का कलवर्ट, झरने वगैरह, कोई ब्रिज तो कहाँ बने होंगे फैक्ट्री के अंदर, मान के चलो मुश्किल है, इतनी कितनी बड़ी फैक्ट्री के अंदर ब्रिज, ओवर फ्लाई ओवर वगैरह, ये भी सब अगर हैं तो ये क्या है, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। फर्नीचर फिटिंग पे कितना, फैन फिटिंग फर्नीचर फिक्सचर पे कितना, इस पे भी कितना लगेगा, 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो रेट है जनरल 15 लगेगी, अगर स्पेसिफिक रेट नहीं है तो, नीचे क्लियर लिखा हुआ है ये बात, प्लांट में क्या आएगा, स्पेसिफिक रेट नहीं दी हुई तो प्लांट एंड मशीनरी 15% में जाएगा। कोई बहुत बड़ा क्लॉक लगा लिया आपने, 10,000 रुपए का है क्लॉक, वैसे तो आपको जी 5-400 की चीज है तो क्या डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन है ही बहुत बड़ा, 10,000 का है तो उस पे भी आप कितना लगा लेंगे, 15। ये सारी चीजें बुक्स कंप्यूटर मशीन में आते हैं, बट बुक्स कंप्यूटर की क्योंकि स्पेसिफिक रेट गिवन है इसलिए उनका अलग रेट है, वही फॉलो होगा। ट्रैक्टर का अलग रेट स्पेसिफिक नहीं है, किसमें जाता है, प्लांट एंड मशीनरी। टाइपराइटर भी किसमें, प्लांट एंड मशीनरी। इन्वर्टर है, वाटर कूलर है, सब किसमें, प्लांट एंड मशीनरी 15% में जाएगा। देखो कंप्यूटर नीचे बोला इसने, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसमें जाने वाला है, 40% में। ओके, इंटेंजिबल असेट्स कितने परसेंट, इंटेंजिबल की सबकी एक ही कैटेगरी है, इंटेंजिबल असेट्स में क्या गया, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट सब एक ही है, इनको अलग अलग नाम चाहे हैं, इनका एक ही ग्रुप है सबका, इंटेंजिबल असेट्स कितना, 25%। कार के लिए इन्होंने क्या कहा, मोटर कार पे जनरल रेट तो कितनी है, 15 या 30, अगर वो बिजनेस यूज, अपना ओन बिजनेस यूज है, नॉट यूज्ड एज टैक्सी, टैक्सी के तौर पे यूज नहीं होती तो कितना रेट है, 15। कार यूज्ड फॉर हायर बिजनेस, आपका काम ही क्या है, हायर बिजनेस, तो इस पे कितना लगेगा, 30। किराए पे चलती है कार तो कितना, 30, वरना कितना, 15। लेकिन इन्होंने क्या हुआ, गाड़ियों की मार्केट में बड़ा क्या रिसेशन था, 1920 की बात है, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि जो कारें या व्हीकल 23 अगस्त 1919 to 31 मार्च 1920 के बीच में परचेज करके, परचेज एंड पुट टू यूज किए हैं, उन पे आप एक्स्ट्रा 15%, यानी नॉर्मल कार, जनरल कार पे तो कितना लगा लो, 30, टैक्सी बस वगैरह पे कितना लगा लो, 45। ध्यान से देखो, याद रखना आसान है कि ये 15 और 30 है ना नॉर्मल, इस केस में कितना लगेगा, 30 और 45, यानी 15% एक्स्ट्रा वाली रेट दे दी, ये रेट है अलग से। अब ये रेट ही उस कार पे कितनी चलेगी, 30, टैक्सी खरीदी इस डेट के बीच में तो कितना, 45। सरकार ने ये लालच दिया था कि उस दौरान गाड़ियों की सेल बहुत कम हो रही थी, जबरदस्त रिसेशन था, तो सरकार ने ये ऑप्शन दे के लोगों को कहा कि चलो गाड़ियां वो ज्यादा खरीद लें, इस वजह से उन्होंने ऑप्शन दे दिया था। क्लियर है, चलो, तो इस तरह से इन्होंने ऑप्शन दिया। ओके, तो ये कह रहा है कारों पे, जैसे मान लो मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लूं इस डेट से रिलेटेड कार का, मैं कह रहा हूं कि आपने कार खरीदी इस डेट के बीच में, कार परचेज एंड पुट टू यूज फॉर ओन बिजनेस, जनरल बिजनेस आपका ग्रोसरी शॉप है, उसके लिए कार चाहिए, आपने कार खरीद ली 4 रुपीज 4 लाख एज ऑन 1st दिसंबर 2019,
इस पीरियड के बीच में खरीद ली दिसंबर 19। तो मान लो कार ओनली कार है और कोई कार इस ब्लॉक में नहीं है, कार कितने की 4 लाख, लगाओ डेप्रिसिएशन इस पे, किस साल का लगाएंगे 1920 का, पिछले साल का कितना लगाएंगे, इस डेट के बीच में खरीदी है इसलिए 15% नहीं, कितना लगेगा 30% डेप्रिसिएशन लगेगा, 4 लाख का 30%, क्योंकि आपने ये इस डेट के बीच में 23 अगस्त 1919 to 31 मार्च 20 के बीच में खरीदी है, तो कितना रेट अप्लाई होगा 30%। लेकिन ठहरो, अब ये लगाई कब है, अब आपने लगाई लेस देन 180 डेज यूज्ड है, कब लगाई है काम पे आपने, 1 दिसंबर 19, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये कितने 180 से कम डेज है, तो किसका लगेगा 6 मंथ्स का, कितना 60। WDV फर्स्ट अप्रैल 2020 को कार की कितनी आ गई 340 आ गई। अगले साल फिर इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना, डेप्रिसिएशन 2021 का 340 पे उम्र भर डेप्रिसिएशन कितना, यानी इस कार पे जब भी डेप्रिसिएशन फ्यूचर में लगेगा किस रेट से लगेगा 30। आपने 2021 में एक और कार खरीदी, वो तो इस डेट में नहीं है ना, वो इस कार में ऐड नहीं होगी, वो अलग ब्लॉक है, उस कार पे तो कितना डेप्रिसिएशन 15, इस कार पे कितना है 30, अलग से ये चलता रहेगा यूं ही 30% लगाना। WDV 10, तो WDV फिर कितनी आ जाएगी 1 अप्रैल 21 में, कितनी 238। अब फिर डेप्रिसिएशन लगेगा आगे 21-22 का, यूं ही चलता रहेगा, यानी अलग ब्लॉक है कार का 30%। और कारें खरीदोगे ना अगर 2021 में, वो किस कैटेगरी में जानी है 15, वो अलग ब्लॉक है, क्लियर। तो ये आपको, ये जो कारें इस पीरियड में खरीदी, पहले पहले शुरू में लोगों को कंफ्यूजन थी कि इस साल 1920 में ही एक्स्ट्रा वाला 30%, अगले साल से 15 नॉर्मल चलेगा, नहीं, बंदा कहता है मुझे तो जब तक ये कार रहेगी 30% का बेनिफिट दो डेप्रिसिएशन का, 30 चलेगा। टैक्सी होती इस पीरियड के बीच में खरीदी, बस होती तो नॉर्मल 30 नहीं बल्कि क्या रेट चलेगी 45%, अगले साल भी 45%। अगले साल और टैक्सी खरीदी 2021 में, उसका अलग ब्लॉक बनेगा कितने परसेंट का 30% का। ओके नेक्स्ट, नहीं वो अलग ब्लॉक बनाओ, अच्छा है, ये नॉर्मल बिजनेस यूज की कार है और वो टैक्सी है, अलग ब्लॉक है, चाहे रेट सेम है। अब बिल्डिंग 10% वाली हो और बिल्डिंग फर्नीचर 10% वाला हो तो दो अलग अलग नेचर की चीजें होगी, वो यूज के अकॉर्डिंग नेचर अलग है, टैक्सी अलग चीज है और बिजनेस के रूटीन यूज की चीज अलग चीज है, अलग ब्लॉक। चलो, कंप्यूटर पे 40, इंटेंजिबल पे 25, कारों पे कितना लगता है मैंने बता दिया, बुक्स पे कितना 40, बुक्स बताया था मैंने, मेरे पास बुक्स हैं अकाउंटेंसी की, कॉस्ट की, ये वाले पे कितना लगेगा 40। लेकिन कोई इंडिया टुडे, फ्रंट लाइन जैसी, द हिंदू जैसी कोई मैगजीन है, वो तो न्यूज़पेपर में आती है, वो उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वो तो कंज्यूमेबल है, P&L में डाल देते हैं। ओके, फिर कह रहा है एरोप्लेन वगैरह पे 40, अब एरोप्लेन क्या काम आते हैं, ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हमें तो पढ़ना पड़ता है, वरना एरोप्लेन किसी आम फैक्ट्री वाले के पास कहाँ होते हैं, ये तो वही एयर इंडिया के पास हैं, जेट वालों के पास हैं, इंडिगो वालों के पास हैं, उनके काम आते हैं, ये थोड़ी है व्यापारी के पास प्लेन होते हों। चलो, एनर्जी पावर सेविंग डिवाइस, इलेक्ट्रिक जनरेटर सब पे कितना है 40, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो या पावर सेव करने के डिवाइसेस हो 40, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन कंट्रोल वाले इक्विपमेंट पे भी कितना 40, कई बार कोई चिमनी या कोई एयर प्यूरीफायर लगा रखा आपने, ठीक है, उन सब पे कितना है 40%। बड़ी कुछ SEZ में तो फैक्ट्रीज को भी कह दिया है कि आपको प्रोजेक्ट लगाना है, पानी को रिसाइकल करके यूज करना है दोबारा, उनको प्रोजेक्ट लगाना कंपल्शन कर देते हैं, तो उस तरह का प्रोजेक्ट है उस पे भी कितना 40, और ये विंड मिल वगैरह इन सब पे भी कितना 40, सोलर कुकर वगैरह, विंड मिल बिजली बनती है ना विंड मिल, तो वो सब पे कितना 40% है। बायोगैस का प्लांट लगा रखा है
बायोगैस इंडिया में क्या है, बहुत छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं कि उसको बेचा भी जा सके। तो अगर है तो उस पर भी कितना 40, वेंटिलेटर जैसे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट डॉक्टर के पास है उस पर कितना 40, रबड़ के मोल्ड हैं, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक गुड्स हैं फैक्ट्रीज के पास, ऐसा है जिन फैक्ट्री के अंदर रबड़ या प्लास्टिक का सामान बनता है तो मोल्ड होता है वो ना, जैसे कोई प्लास्टिक है मेल्ट करके मोल्ड में डाल दिया, फिर वो सूखने के बाद मोल्ड से निकाल लेते हैं वो, ऐसा कुछ मोल्ड वगैरह, उन पे कितने परसेंट है 30%। रोलर है फ्लोर मिल में, वो आटा पीसती है ना फ्लोर मिल, तो वो रोलर होते हैं जो, वो रोलर्स वगैरह या आयरन, ये लोहे की शीट बनती है ना चद्दर लोहे की स्टील की, तो वही इसके पास भी रोलर ही होता है उसके अंदर, जैसे वो गन्ने के जूस वाला जूस निकालता है ना रोलर, वैसा ही होता है वो, मेल्ट करके वो मेटल डाल देते हैं और रोल करते हैं उससे, वो शीट टाइप बन जाता है, एक्स्ट्रा वाला काट के वो शीट बनती है, इस तरह के रोलर हैं तो कितना 40%। शिप भी किसके पास होते हैं, बहुत कम, शिप या वेसल गोइंग बोट या कोई बड़ा शिप है उन पे कितना है 20, काम नहीं आते, आम व्यापारी के ये चीजें नहीं काम आती, आम बिजनेसमैन के काम आनी है। जनरल बिल्डिंग 10, स्टाफ क्वार्टर 5 बस, वो टेम्प्रेरी वाला भी काम नहीं आता है। ओके, फर्नीचर फिटिंग पे 10%, कंप्यूटर पे 40, बुक्स पे भी 40, इंटेंजिबल असेट्स पे 25%, जो किसी कैटेगरी में नहीं वो मशीनें हैं, जनरल मशीनों पे कितना 15% लगता है, बुक्स पे 40. यही काम आता है, यही काम आना है, प्लेन और ये, हाँ कारें काम आनी है, कारों में तो चक्कर ही बड़ा हुआ है, जनरल कार 15, टैक्सी के तौर पे चलती है तो 30, लेकिन पिछले साल इस पीरियड के बीच में जो कारें खरीदी थी उन पे 15 नहीं 30, टैक्सी खरीदी इस पीरियड के बीच में, बस खरीदी है तो कितना 30 नहीं 45, काम ये आना है, बाकी एरोप्लेन बोट शिप ये काम नहीं आने हैं, क्लियर, ये चाहिए। लैंड पे नहीं लगता, बात हो चुकी है, लाइफ स्टॉक पे नहीं लगता, गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, गुडविल कोई डेप्रिसिएबल असेट्स है क्या कि गुडविल को भी हर साल अपन डेप्रिसिएट करें ना, हाँ लेकिन ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट टेक्निकल नॉलेज इन चीजों पे लगता है डेप्रिसिएशन, कितना 25, गुडविल पे नहीं लगता, क्लियर। हाँ नहीं, ये देखो कैटेगरी बताइए, पावर सेविंग से रिलेटेड है, कोई इलेक्ट्रिक जनरेटर इस तरह का सेविंग से रिलेटेड है तो 40 लगा लो, कोई सेविंग से रिलेटेड है, मैंने ये लिस्ट बता दिया अब आपको, अब इसमें ट्रैक्टर नहीं दिख रहा तो 15 लगा लेना, इस लिस्ट में जो नहीं दिखेगा उस पर 15 लगा लेना, इस लिस्ट में कैमरा नहीं दिख रहा तो कितना लगा देना 15, मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं बताई, मैंने तो जनरल बताया, जो इस लिस्ट में कवर नहीं है स्पेसिफिक में उस पर 15 लगा लेना, जो इसमें है लिख लो बस देख लो, अगर बोट कहूंगा मैं इलेक्ट्रिक बोट तो यहां रेट है 20%, शिप है 20 लगा लो, फिर विंड मिल कहूंगा यहां पे है तो वो लगा लो 40%, जो इस लिस्ट में नहीं दिखेगा उस पर कितना लगा लो 15, इसमें जैसे ट्रैक्टर नहीं है, इसके अंदर जैसे एसी नहीं है, वाटर कूलर नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, कैमरा नहीं है, उन पर कितना लगा लेना, इन्वर्टर नहीं है 15, जो इसमें दिख गया उस पर वो लगा लो बस, बस एक जनरल रूल है, जो इस कैटेगरी में नहीं उस पर सिंपल 15% लगेगा बस। ओके, अब एक प्रॉब्लम है कि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए असेट्स का क्या बनता है, ब्लॉक, पेज नंबर 2 पे ब्लॉक ऑफ असेट्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ब्लॉक ऑफ असेट्स, तो ये क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ असेट्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में कह रहा है जिनकी नेचर सेम हो, नेचर सेम एंड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम हो, उनका एक ब्लॉक बनता है। इनकम टैक्स में WDV मेथड इंडिविजुअली असेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाता, बल्कि असेट्स का क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, दैट इज ब्लॉक ऑफ असेट्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। ठीक, तो ये क्लॉज, इस क्लॉज के अंदर क्या, सेम नेचर और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मान लो मेरे पास बिल्डिंग है 10% वाली, एक और बिल्डिंग है वो भी 10% वाली, एक स्टाफ क्वार्टर है 5% वाला, एक फर्नीचर है 10% वाला, ऐसा, तो आप देखो कि ये 4 लाख है, ये 3 लाख है, ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, तो आपको ब्लॉक बनाना होगा
बिल्डिंग 10% का, उसमें कौन सी आ जाएंगी ये दोनों, कितने की? 4 लाख प्लस 3 लाख, कितने की आ जाएंगी? फिर बिल्डिंग का ब्लॉक बनेगा 5% का, ये अलग से, कितने की आ जाएगी? 2 लाख। क्या फर्नीचर की रेट 10% है और बिल्डिंग की रेट 10% है, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे? ना, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है, तो क्या हुआ, नेचर क्या है, अलग है, वो बिल्डिंग है वो फर्नीचर है, तो आपको फर्नीचर का ब्लॉक अलग बनाना होगा। फर्नीचर कितने परसेंट? 10%, उसका ब्लॉक अलग बनाना होगा, कितना? 1 लाख। क्लियर? बोलो कोई डाउट? तो आपको देखना पड़ेगा ब्लॉक हर चीज का अलग, जैसे बुक्स है, बुक्स पे भी 40 और कंप्यूटर पे भी 40 है, तो बुक्स का ब्लॉक अलग और कंप्यूटर का ब्लॉक क्या बनाएंगे? अलग बनाएंगे। कार है जनरल यूज की 15%, मशीन का भी कितना है? 15, अलग बनेगा ब्लॉक। यानी नेचर अलग हो गई, चाहे डेप्रिसिएशन की रेट सेम है, तो आपको अलग से ब्लॉक बनाना होगा। अब मैं बिल्डिंग ऑफिस की और खरीदूं, इस ब्लॉक में ऐड होगी, मान लो जो खरीदूंगा वो सारी ऐड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, इसकी पुट टू यूज की डेट बताना, पुट टू यूज की डेट बतानी होगी आपको कब। फिर बेची, सेल ऑफ बिल्डिंग, इसमें से कोई बिल्डिंग बेचूंगा तो वो क्या होएगा, कम, तो क्या आएगी? WDV, इस तरह से WDV आएगी, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ब्लॉक बनाते वक्त ध्यान रखना होगा कि जिस रिस्पेक्टिव ब्लॉक से रिलेटेड है कोई भी एसेट, खरीदोगे उसमें ऐड, बेचोगे उसी में लेस। अब मान लो स्टाफ क्वार्टरी और बना लिए 4-6, तो इसमें ऐड होंगे, बेचोगे कोई तो इसमें लेस होंगे, फर्नीचर खरीदा तो यहां ऐड होगा, बेचोगे तो लेस होगा। याद रखना, खरीदने की नहीं बल्कि कौन सी डेट चाहिए मुझे? पुट टू यूज की। वो इसलिए चाहिए ताकि डेप्रिसिएशन लगाते वक्त मुझे पता हो अगर ये पुट टू यूज ओवर 180 डेज है या 180 पूरे भी है तो फुल ईयर, और लेस देन 180 डेज है तो क्या लगेगा? हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर? ये जी। लेकिन सेल की डेट नहीं चाहिए मेरे को, क्यों? जो चीज ही गई, मैंने क्या सिखाया आपको, जो चीज ही बेच दी, बैलेंस शीट में रही नहीं, उस पर डेप्रिसिएशन लगना नहीं। इसलिए मुझे कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? पुट टू यूज, खरीदी लगाई उसकी, बेची की नहीं चाहिए, बस लेस करो। ये दो चीजें हैं इंटररिलेटेड, एक तो ब्लॉक ऑफ असेट्स, ब्लॉक वर्ड का मतलब पता लगा, कार का ब्लॉक बनाया, कार खरीदूंगा उसी कैटेगरी में ऐड, टैक्सी वाली कार खरीदूंगा तो 30% वाली में ऐड, बिजनेस यूज की कार अपने लिए खरीदूंगा तो वो 15% में ऐड, बेची जिस ब्लॉक की उसमें से लेस, क्या आ जाएगी? WDV। तो WDV जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सारे साल में जो खरीदी पहले ऐड होती हैं फिर बेची क्या होती हैं? लेस। ये सिस्टम है इनकम टैक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल असेट्स पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर मस्ट बी एडेड टू द रिस्पेक्टिव ब्लॉक, देन आफ्टर असेट सोल्ड आर टू बी रिड्यूस। और इसके बड़े अजीब रिजल्ट भी आते हैं कभी कभी, देखना। क्या एक अकाउंटेंसी से कंपेयर करें तो थोड़े रिजल्ट अजीब आते हैं इसमें, ऐसे देखना। मैं कह रहा हूं ओपनिंग, आपके पास फर्नीचर पड़ा था जिसका नाम रख दिया आपने ए, ए नाम का फर्नीचर 1 अप्रैल 20 को पड़ा था 5 लाख का, एक फर्नीचर पड़ा था जिसका नाम रख दिया ए, सपोज 5 लाख का पड़ा था, ये ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ऑन, आपने 28 अगस्त 20 में बेच दिया, कौन सा फर्नीचर? ए, 4 लाख रुपए का बेच दिया। अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग तो 1 लाख का लॉस आ गया ना, 5 वाला आपने कितने का बेचा? 4 लाख, 1 लाख का लॉस आ गया। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। 1 जनवरी 21 में फर्नीचर परचेज्ड एंड पुट टू यूज, खरीदा और काम पे लगाया आपने, परचेज एंड पुट टू यूज 1 जनवरी 21 में, जिसका नाम रख दिया बी, कितने का? 3 लाख। ठीक, इनकम टैक्स कहता है कैसे बनेगा ब्लॉक, देखो इनकम टैक्स कहता है आप फर्नीचर की कैटेगरी बनाओ, यहां फर्नीचर 10% वाला 1 अप्रैल 20 को कितने का था बोलो? 5 लाख का। पहले जो खरीदा वो बताओ, परचेज ऑफ फर्नीचर, जो बी खरीदा आपने कब खरीदा, पुट टू यूज कब किया?
फर्स्ट जनवरी 21 कितने का? 3 लाख। ब्लॉक कितने का हो गया? 8 लाख। अब बेचे वाला बताओ, सेल ऑफ फर्नीचर कौन सा बेच दिया आपने? ए। कितने का बेच दिया आपने? ये आपने बेच दिया 4 लाख। तो इनकम टैक्स कहता है WDV कितनी आ गई? आप कह रहे हो 4 लाख कैसे हो सकती है, जब फर्नीचर पुराना बेच दिया हमने, पुराना फर्नीचर बेच दिया, लॉस आ गया, नया खरीदा वो है ही 3 लाख का। इनकम टैक्स कहता कहाँ 3 लाख का है, 4 कह। देख ऐसे होता है हमारे, तो 4 पे लगेगा डेप्रिसिएशन। और हैरानी ये हो रही है कि जब असेट्टी 3 की है वो तो बेच दी पुरानी, इनकम टैक्स कहता ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है जैसे हम कहते हैं, यहां तो कई बार ना पड़े हुए पे भी डेप्रिसिएशन लग जाता है और कई बार पड़े हुए पे भी नहीं लगता। यहां पे डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 4 पे। मेथड इंटरनली कौन सा चलेगा? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले बेची कौन सी? पुरानी। पड़ी कौन सी है? लेटेस्ट। इनकम टैक्स की बुक्स में फीफो मत ढूंढना, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये अपा ने नाम दे दिया इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, 4 लाख पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? देखो मानो 4 में 3 तो ये पड़ी है लेटेस्ट वाली, लाख किस में से पड़ा है? इनकम टैक्स कहता ऐसी होता है, हमारे यहां ऐसी होता है, कई बार ना पड़े हुए पे भी लगता और कई बार पड़े हुए पे भी नहीं लगता। यू हैव टू फॉलो दिस। ये सेक्शन 50 का कमाल है, आगे आएगा सेक्शन 50। इनकम टैक्स कहता है हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा। बड़ी लड़ाई होती है, हमारे पास अकाउंटेंट आते हैं, वो अपने अकाउंटेंसी वाले रूल लगा के आ जाते हैं, कह साहब वो तो लॉस आ गया ना, लाख रुपए जब चली गई वो तो आप 3 लाख पे लगाओ ना। हम उसको समझाते हैं ऐसे नहीं होता, इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहा है तू, इनकम टैक्स की रिटर्न में ऐसा नहीं होता, ऐसे करना पड़ेगा। साल भर में जो खरीदी पहले सारी ऐड करो, चाहे बेची पहले खरीदी बाद ना, पहले जितनी खरीदी ऐड करो, डेट लिखो, फिर जो बेची उनको लेस करो, फिर देखो क्या आई WDV, उस पर क्या लगाओ डेप्रिसिएशन बाय फॉलोइंग फीफो। फीफो मीन्स जो पड़ी है वो लेटेस्ट वाली पड़ी है, बिकती कौन सी है पहले? पुराने वाली। उस थ्योरी को फॉलो करो तो 4 लाख WDV जो पड़ी है, 3 तो ये पड़ी है, बैलेंसिंग फिगर 1 कौन सी पड़ी है? शुरू वाली। लगाओ डेप्रिसिएशन 10% पूरे साल का लगा दोगे, इस पे 10% तो लगाओगे, 6 मंथ्स का लगाओगे, क्योंकि ये पुट टू यूज कब की है? January 21, लेस देन 180 डेज होते हैं। इस पे आप कैसे लगाओगे डेप्रिसिएशन? हाफ ईयर का लगाओ, इस पे लगाओ 10,000, इस पे लगाओ 15,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 25,000। समझे? अगले साल WDV कितनी जाने वाली है? 4 लाख माइनस 25, अगले साल WDV 375 जाने वाली है। है ना थोड़ा सा अजीब कि ना पड़े होते हुए भी इनकम टैक्स कहता है 4 पे लगा। हम कह रहे हैं ना लगा, लगाओ, और कई बार होते हुए भी लगाने नहीं देता। अब देखना, चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने बेच दी कितने में? मान लो 6,80,000 में, जो बेची फायदे में बेच दी, जो खरीदी 3। इनकम टैक्स कहता है ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे हम कहते हैं। देखो अब इनकम टैक्स क्या कहता है, कहता है कि तेरे पास जो खरीदी है पहले वो बता, तेरे पास 5 की थी खरीदी, कितने की? 3, उसकी डेट लिख ले January 21, ब्लॉक कितने का हो गया? 8। अब जो तूने बेची लेस कर, कितने की? WDV कितनी आ गई? ये कहता भाई साहब 120 कहां, 3 लाख की है मेरे पास तो। इनकम टैक्स कहता है 3 तो नहीं है, ये 120 है तेरे पास, लगा 120 पे। ये हैरान है, इसे समझ नहीं आ रहा कि जो मैंने पुरानी बेची नहीं तो मेरे पास कितने वाली पड़ी है? 3 लाख, तो 3 पे क्यों नहीं लगाने देते? नहीं लगाने देते, कितने पे लगेगा? 120। ये आपका लॉस है कि आपको डेप्रिसिएशन क्या लगाने को मिल रहा है? कम। आप ऑफिसर को कहते हो भाई साहब डेप्रिसिएशन का नुकसान कर रहे हो आप, मुझे कितने पे लगाने दे रहे हो डेप्रिसिएशन? 120 पे, ऐसे तो डेप्रिसिएशन ही कम लगेगा। ऑफिसर कहता है भाई फिर गेन भी तो माफ हो गया तेरा, तू सोच तूने मशीन 5 वाली कितने में बेची? 680। हम तुझे 81 पे कोई टैक्स भरने को कह रहे हैं? नहीं कह रहे ना। ये तेरा क्या हो रहा है? फायदा, तेरा कैपिटल गेन नहीं निकाला हमने ऐश कर, तो तुझे उधर फायदा हो गया,
इधर तुझे क्या हो गया, लॉस। कहता नहीं करना फायदा सर, वही करने दो। नहीं करने देते, ऐसे ही करना पड़ेगा तेरे को, जैसे हम कह रहे हैं। तो लगा 120 WDV पे डेप्रिसिएशन, किसमें से बची मान लो, लेटेस्ट इसमें से। तो 120 पे लगा दो डेप्रिसिएशन 10%। कितने टाइम का लगाओगे, 6 मंथ्स का, क्योंकि ये पुट टू यूज कब की है, जनवरी में। कितना आ जाएगा अगले साल WDV, कितनी जाएगी, 1,14,000। सही है, ऐसे करना है। क्लियर, थोड़ा आइडिया हुआ। अब मैं सेक्शन 50 जिसके लिए पढ़ रहा हूं वहां से करता हूं, थोड़ा आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। एक बार पेज नंबर 8 पे ना, पेज नंबर 8 पे ऊपर ऊपर WDV सेक्शन 43(6) पे दी हुई है। WDV सेक्शन 43 सब सेक्शन 6 ऊपर ऊपर के ओपनिंग WDV जो भी खरीदी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस करके, नीचे पेज नंबर 8 लगा हुआ है। तो क्या, जो भी खरीदी ऐड कर लो, जो बेची वो लेस कर लो, क्या आ जाएगी WDV, उस पे ऊपर 111, नीचे पेज नंबर 8 है, आप वो पेज देखो, आप नीचे जो पेज नंबर 8 लगा है। तो आपकी WDV आ जाएगी, उस पे डेप्रिसिएशन काट लेना, क्लोजिंग WDV आ जाएगी। मैं इस पे फिर आता हूं बाकी चीजों पे, फिलहाल मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन डेप्रिसिएशन का पेज नंबर 12 सेक्शन 50 पढ़ने जा रहा हूं। ये करोगे ना तो डेप्रिसिएशन लगाना आ जाएगा आपको, जब तक ये नहीं पढ़ोगे तो डेप्रिसिएशन लगाना नहीं आ सकता। देखना सेक्शन 50 क्या कहता है, सेक्शन 50 इंपॉर्टेंट सेक्शन, डेप्री स्पेशल प्रोविजन कैपिटल गेन और डेप्री कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल एसेट। हालांकि ये जो सेक्शन है ना, इस चैप्टर से बड़ी दूर का है। हमारा जो बिजनेस का चैप्टर है ना, सेक्शन 28 से शुरू होके 44 पे खत्म हो जाएगा। 28 से 44, 45 सेक्शन से कैपिटल गेन शुरू होगा। तो ये सेक्शन 50 किस चैप्टर का है, कैपिटल गेन। लेकिन अगर इसे इधर ना पढ़ा ना तो हमारा डेप्रिसिएशन गलत हो जाएगा, इसलिए इसे दो बार पढ़ूंगा मैं। एक बार कैपिटल गेन का चैप्टर करेंगे तो फिर से पढ़ूंगा। क्या कहता है सेक्शन 50, ये कहता है डेप्रिसिएबल असेट्स का डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कैटेगरी बना लो। कैटेगरी ए, व्हेन ऑल द असेट्स ऑफ अ ब्लॉक हैज बीन सोल्ड। सारी असेट्स बेच दी, जितनी असेट्स थी सारी बेच दी, कुछ भी नहीं बचा। तो इस केस में या तो क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, नो डेप्रिसिएशन, नो WDV, कुछ नहीं बचेगा। एक ब्लॉक में जितनी असेट्स थी सारी बेच दी, या तो क्या आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। फुल फॉर्म STCG की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, STCL मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। ये कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे, देख लेंगे। फिलहाल कोई WDV या कोई डेप्रिसिएशन नहीं, जब सारी असेट्स बेच दी। एग्जांपल लेना, इसका एग्जांपल देखना। मान लो मैं कह रहा हूं कि आपके पास फर्नीचर है 1 April 2020 को, जिसका नाम है A+B, 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख का फर्नीचर, 5 लाख का है, जिसका नाम रख रखा है आपने ए और बी, 5 लाख। आपने और खरीदा फर्नीचर सी परचेज 1 August 2020 में, और खरीद लिया आपने 1 लाख का फर्नीचर, कितने का हो गया, 6। मैं कह रहा हूं जब भी बेचा आपने A+B+C सोल्ड, आपने सारा फर्नीचर बेच दिया। ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता, खत्म, सारा बेच दिया। मान लो सारा बेच दिया 450 में, सारी असेट्स बेच दी तो कैटेगरी ए। जब सारी असेट्स बेच दी, कारों का ब्लॉक है, सारी कारें बेच दी, कम में बेची तो लॉस, ज्यादा में बेची तो गेन, नो WDV, नो डेप्रिसिएशन। यहां पे क्या गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, 150 का लॉस आ गया। कैपिटल गेन के चैप्टर में इसे लॉस बोलते हैं। कोई डेप्रिसिएशन आएगा ना, नो WDV, नो डेप्रिसिएशन। क्लियर, अगर थोड़ा चेंज कर दूं
मैं कहता हूं सारा कुछ बेच दिया 7 लाख में, 7 लाख में बेच दिया, तो 1 लाख का क्या आ जाएगा यहां पे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस केस में भी कोई WD नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, 3 कैटेगरी पढ़ूंगा जिसकी फर्स्ट कैटेगरी मैंने कर दी है। मेरे पास एक कार है, एक ही बेच दी, ब्लॉक सीजिस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करता, खत्म। उस केस में नो WDV, नो डेप्रिसिएशन। क्या आएगा? सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लॉस। क्लियर है बात? बोलो कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये थी कैटेगरी ए। अब चलता हूं कैटेगरी बी के लिए। कैटेगरी ए का एग्जांपल यहां भी नोट्स में मिल जाएगा, आप देखना चाहो तो देख लेंगे, एक बार आप कैटेगरी समझो। यहां तो क्या कह रहा था मैं, क्या आपने सारी एसेट्स बेच दी, घटाया या फायदा? कोई WDV नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। अब एक और कैटेगरी पे जा रहा हूं, कैटेगरी बी, व्हेन पार्ट ऑफ ब्लॉक हैज बीन सोल्ड। अब मैंने ए कैटेगरी से अलग बात की है। ए कैटेगरी में तो क्या था, क्या था ए कैटेगरी में? सारी एसेट्स बेच दी थी, तो वो कैटेगरी ए थी, उसमें तो WDV डेप्रिसिएशन था ही नहीं। मैंने कहा नहीं, क्या बेचा? एक पार्ट बेचा है। When a part of a block has been sold, एक पार्ट बेचा है, सारा ब्लॉक नहीं। तो अब इसमें भी B1 कैटेगरी है, B के दो पार्ट हैं। B1 सेल, नेट सेल, नेट सेल कंसीडरेशन यानी SC ऑफ दैट पार्ट एक्सीड्स द होल वैल्यू ऑफ ब्लॉक, होल वैल्यू ऑफ ब्लॉक। एक पार्ट बेचा लेकिन वो पार्ट इतना ज्यादा बिक गया पूरे ब्लॉक की वैल्यू से भी ज्यादा। इस केस में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो WDV, नो डेप्रिसिएशन। इसमें भी कोई WDV डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। समझो ध्यान से, मैंने कहा सारी नहीं बेची, कुछ पार्ट बेचा, 3 असेट्स हैं, एक बेची या 2 बेची, तीनों नहीं बेची, क्योंकि तीनों बेचता तो फिर तो कैटेगरी ए हो जाता। मैंने पार्ट बेचा, सारी नहीं बेची, लेकिन B1 कहता है कि वो पार्ट इतना महंगा बेच दिया कि पूरे ब्लॉक की वैल्यू से भी ज्यादा, सेल कंसीडरेशन ऑफ दैट पार्ट एक्सीड द होल वैल्यू ऑफ ब्लॉक, पूरे ब्लॉक की वैल्यू से भी ज्यादा बेच दिया मैंने। इस केस में भी कोई WDV नहीं आएगी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। क्या आएगा? सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सही है? एग्जाम्पल लू इसका, देखो एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूं आपके पास बिल्डिंग 10% का ब्लॉक है 1 अप्रैल 2020 को, दो बिल्डिंगें पड़ी हैं A+B, ये 10 लाख की है और ये 5 लाख की है, तो ब्लॉक कितने का आपका? मान लो बिल्डिंग सी और खरीद ली आपने, बिल्डिंग सी परचेज, ये काम पे लगा दी आपने 1 दिसंबर 2020 में, ये 3 लाख की है, तो ब्लॉक कितने का हो गया? अब अगर मैंने तीनों बेची, ओपनिंग में ए और बी थी, नई और कौन सी खरीदी? बिल्डिंग सी, तीनों बेच दी तो कैटेगरी ए बन जाएगी। फिर तो कम में बेची तो लॉस, ज्यादा में बेची तो गेन, नो WDV, नो डेप्रिसिएशन। पर मैं कह रहा हूं तीनों नहीं बेची, एक बेची या क्या बेची? दो, तो फिर ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? बी, पार्ट बेचा है, पूरा ब्लॉक नहीं बेचा, पार्ट बेचा है, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? कैटेगरी बी। क्या वो पार्ट इतना महंगा बिका है कि पूरे ब्लॉक की वैल्यू से भी ज्यादा बिक जाए? यस, चेक करता हूं। लेस, मैंने कहा ए सोल्ड फॉर, बिल्डिंग ए बेच दी आपने 20 लाख रुपए की, एक पार्ट, चाहे ए बेची या सी बेची या B+C बेची या A+B बेची या A+C बेची, तीनों नहीं बेची, तीनों नहीं बेची, तीनों बेचूंगा तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ए में। अभी मैं क्या कह रहा हूं, पार्ट बेचा, एक या दो बेची हैं, मैंने कहा अकेली ए बेची, कितने में बेच दी? इतनी ज्यादा कि सेल कंसीडरेशन पूरे ब्लॉक की वैल्यू से भी क्या हो गया? ज्यादा। इस केस में क्या आने वाला है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आने वाला है। आ गया गेन? जबकि आपको लग रहा होगा नहीं सर, ये तो कितने वाली थी? 10 वाली, आपने बेच दी 20, गेन तो 20 लाख का माइनस 10 करके 10 लाख है। ना ना, इनकम टैक्स कहता है हमारे हिसाब से तेरा गेन कितना है? 2 लाख। फायदा हो गया आपका तो।
गेन सिर्फ 2 लाख माना गया, पर नुकसान भी है, आपको डेप्रिसिएशन लगाने नहीं दिया जाएगा। 9 WDV इस साल बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बैलेंस शीट में बिल्डिंग जाएगी क्या? 0। हालांकि मुझे पता है कौन सी पड़ी है, बी और सी पड़ी है, मुझे पता है बी सी कहां गई है, कहीं नहीं गई, पड़ी है, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है। इनकम टैक्स कहता नो, डेप्रिसिएशन कांट बी चार्ज्ड, बैलेंस शीट में वैल्यू भी क्या 0। नेक्स्ट ईयर आ जाओ, नेक्स्ट ईयर चलते हैं। नेक्स्ट ईयर आप लिखोगे बिल्डिंग 10% का ब्लॉक बनाओगे 1/4/20 में, कौन कौन सी पड़ी है, बी और सी, लेकिन WDV कितनी लेके चलोगे? 0, निल, 0 हो गई है, नो WDV, नो डेप्रिसिएशन। लेकिन इसमें कोई और असेट खरीद के आप इसे अलाइव कर सकते हो। मान लो के नाम की बिल्डिंग परचेज कर ली आपने फर्स्ट में 20 में, मान लो 12 लाख, अब ब्लॉक कितने का 12, अब आपने बी बेच दी मान लो 7 लाख ऐसे, तो WDV कितनी आ जाएगी? 5। मेरा कहने का मतलब ब्लॉक में सेट्स तो रहेंगी, कौन सी, बी और सी, पर वैल्यू कितनी रहेगी उनकी? 0। ओपनिंग वैल्यू क्या जाएगी? 0। कोई और खरीदोगे तो ऐड कर लो, अब बी सी बेचोगे तो लेस होंगी ये जी, यानी अगले साल जाके फिर ये आपको नुकसान दे सकती हैं। इनकम टैक्स कहता है अगर अगले साल जाके फिर ये बेची तो गेन भी आ सकता है। ये तो क्या है, ब्लॉक अलाइव हो गया, मान लो ये ब्लॉक ना अलाइव होता और खरीदते ही ना बिल्डिंग, और ये वाली बिल्डिंग बेच देते 7 लाख, फिर आ जाते इनकम टैक्स वाले, आजा भैया शॉर्ट टर्म गेन है तेरा 7 लाख का अगले साल। वैसे अगले साल तक क्वेश्चन जाता नहीं है हमारे, नॉलेज के लिए बताया मैंने, ठीक है ना। अगले साल छोड़ो, आप इस साल भी रो, इस साल नो WDV, नो। समझ आया? कैटेगरी ये था सारी असेट्स बेच दी, नो WDV, नो डेप्रिसिएशन, क्या आएगा ओनली शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लो। पार्ट बी, कैटेगरी बी कहता है पार्ट बेचा तो कैटेगरी बी, बी का पार्ट वन कहता है वो पार्ट इतना महंगा बिक गया कि पूरे ब्लॉक की वैल्यू से भी क्या हो गया, ज्यादा, उस केस में क्या आएगा, गेन, नो WDV, नो डेप्रिसिएशन। एग्जांपल आपके सामने है। अब थोड़ी सिचुएशन बदल रहा हूं, लास्ट पार्ट B2, कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट टू क्या कहता है, इफ सेल कंसीडरेशन, जो पार्ट बेचा, इफ सेल कंसीडरेशन ऑफ दैट पार्ट डजंट एक्सीड द होल वैल्यू ऑफ ब्लॉक। हाँ, अब सही है, वो पार्ट इतना महंगा नहीं बिका है कि ब्लॉक की वैल्यू को एक्सीड करे, तो यहां क्या आने वाली है, WDV, क्या लगने वाला है, फीफो फॉलो करते हुए, समझे। सिर्फ इकलौती कैटेगरी ऐसी जिसमें डेप्रिसिएशन लगने के चांस हैं, पहली दो में तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं, सारा ब्लॉक बेच दो या पार्ट इतना महंगा बेच दो कि पूरे ब्लॉक की वैल्यू से भी ज्यादा, उन दोनों सिचुएशन में तो कोई डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं। इकलौती B2 कैटेगरी में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। देखना आप थोड़ा सा, यहां मान लो बिल्डिंग का ब्लॉक बना रहा हूं 10% वाली बिल्डिंग 1/4/2020 को, मैं कह रहा हूं कि अपने पास ए और बी दो बिल्डिंग पड़ी है, ए 10 लाख की और बी 5 लाख की, कितने का ब्लॉक पड़ा है, 15 लाख, ऐड करो, मैं कहता हूं न्यू बिल्डिंग परचेज की आपने 1 अगस्त 2020 को, कितने की, 3 लाख, ब्लॉक कितने का हो गया, 18। अब मैं कह रहा हूं आपने ए बेच दी, ए सोल्ड फॉर, ए बेच दी 12 लाख रुपए में, आप मुझे बताओ क्या सारी सेट्स बेची, कैटेगरी ए ना, कैटेगरी ए नहीं, क्या पार्ट बेचा, हाँ बेचा पार्ट, कैटेगरी बी में तो आ गया पार्ट बेचा है, लेकिन क्या B1 है, क्या वो पार्ट इतना महंगा बिक गया कि 18 लाख से भी ज्यादा हो, नहीं, तो ये कौन सी कैटेगरी है, 2, कि सेल कंसीडरेशन ऑफ दैट पार्ट डजंट एक्सीड द होल वैल्यू ऑफ ब्लॉक, वो पार्ट पूरे ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा में नहीं बिका है, तो इस केस में क्या आएगी अपनी, इस केस में WDV आएगी कितनी, 18 लाख में से 12 लाख कम कर दो, 6 लाख की WDV, और मेथड फीफो लगाते हुए इस WDV 6 लाख पे क्या लगाना है आपको, डेप्रिसिएशन लगाओ,
मेथड फीफो कहता है जो बेची पुरानी बेची, थ्री तो ये पड़ी है थ्री वाली, और बाकी थ्री कौन से वाली पड़ी, आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग पड़ी है। तो आप लगाओ ओपनिंग वाली पे तो पूरे साल का लगाओगे 10%, और जो और खरीदी उस पे भी पूरे साल का, हाँ क्योंकि ये कब लगा दी, 3 अक्टूबर से पहले, 3 अक्टूबर या उससे पहले गिन लो दिन, 180 से ज्यादा बनेंगे, 31 मार्च तक गिन लो, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 गिनते चलो, तो ये तो 240 के आसपास बन जाएंगे। तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, लगाओ 30 इस पे भी कितना, कितना डेप्रिसिएशन हो गया 60 हो गया। नेक्स्ट ईयर WDV कितनी जाएगी, नेक्स्ट ईयर WDV बिल्डिंग की 1 अप्रैल 2021 में, तो आपका ब्लॉक कितने का बच गया, WDV 6 लाख, जिसमें डेप्रिसिएशन कट गया 60, तो नेक्स्ट ईयर WDV कितने जाने वाली है 540 की। चेंज करूं थोड़ा, करो चेंज, बताना फिर मेरे को। मैंने कहा कि आपने जो पार्ट बेचा ए वो सिर्फ ही बिका कितने का, बिल्डिंग ए 1 लाख रुपए की बिकी, लो 17 लाख की क्या बच गई। आप ये ना टेंशन लो 10 वाली 1 में बिकी है, इनकम टैक्स कहता है ऐसे नहीं होता कि 10 वाली 1 में बिकी 9 लाख का तेरा लॉस आ जाएगा, ये इनकम टैक्स आपको आपका नुकसान कर रहा है, क्योंकि आपका लॉस तो 9 लाख दिख रहा है आपके अकॉर्डिंग, पर इनकम टैक्स कहता कौन सा लॉस, दिख तो नहीं रहा कहीं, ये आपका क्या कर रहा है नुकसान, पर इनकम टैक्स आपका फायदा भी कर रहा है, डेप्रिसिएशन ज्यादा पे लगाने दे रहा है। देखा जाए तो आपके पास 5 वाली B है और 3 वाली कौन सी है C, तो 8 लाख पे लगना चाहिए, इनकम टैक्स कहता है किस पे लगा ले तू, 17 लाख पे लगाओ डेप्रिसिएशन 17 लाख पे, कैसे फीफो के अकॉर्डिंग 3 लाख ये पड़ी है, बैलेंसिंग फिगर शुरू वाली कितनी पड़ी है, आप कह रहे हो 5, इनकम टैक्स कह रहे 14, तू लगा 14 पे, हम कह रहे हैं लगाओ, इस पे कितने परसेंट 10, इस पे भी 10, कितना हो जाएगा 140, इस पे कितना हो जाएगा 30, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 170, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन WDV कितना आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर की WDV 17 लाख में से 170 कम करके 15,30,000 की WDV आ जाएगी, समझ आए, बोलो क्या क्या, हाँ फीफो ना, फीफो बेची इशू वैसे ही, हम तो वैसे ही डाउट नहीं है कोई बेची है ना, वैसे बिल्डिंगों के नाम थोड़ी होते बंदे के, तो ये फीफो लगता है कि आपने बेची कौन सी पुरानी, फीफो का मतलब है जो बेची पुरानी, पड़ी कौन सी है लेटेस्ट, आप पड़ी हुई फीफो के अकॉर्डिंग ना मानो, पड़ी हुई लेटेस्ट पड़ी है, पुरानी गई, जो बेची आपने लाख वो शुरू वाली बेची, इसलिए शुरू वाली कितनी की बच गई 14 लाख, और लेटेस्ट वाली 3 लाख पड़ी है ऐसे। अब देखना थोड़ा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा और चेंज कर रहा हूं, बताना ढूंढना डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, देखो मैं कह रहा हूं कि आपका ब्लॉक 18 लाख का है, 18 लाख का ब्लॉक है, मैं कह रहा हूं आपने एक बिल्डिंग बेच दी, वो बेच दी 16 लाख रुपए में लो, तो WDV कितनी बच गई आपके हिसाब से 2 लाख, इनकम टैक्स कहता है जो बच गई ठीक है बस लगाओ उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, कितनी WDV बच गई 2 लाख, फीफो चलता है तो ये बची हुई कौन सी है, पुरानी बिक गई, बची हुई लेटेस्ट वाली है, कितने में से बची हुई है, ये लेटेस्ट वाली बची हुई है, कितने वाली 3 लाख में से बची हुई है, क्या करें WDV ही 2 लाख है, तो इसमें से बची मानते हुए डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे 10%, इस पे कितना लगाएंगे 20, ओपनिंग WDV ऑफ बिल्डिंग कितनी जाएगी 1 अप्रैल 2021 में, तो आप कहना 2 लाख माइनस 20 कम करके कितनी WDV जाएगी ओपनिंग 180 जाएगी, समझ आया, सेक्शन 50 खत्म, बस 3 सिचुएशन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारी सेट्स बेच दी कैटेगरी है, नो WDV नो डेप्रिसिएशन, ओनली शॉर्ट टर्म गेन या लॉस आएगा, कैटेगरी बी पार्ट बेचा
पार्ट पे चार तो कैटेगरी बी, बी कैटेगरी के आगे दो पार्ट हैं। बी कैटेगरी अपने आप में कुछ नहीं, दो पार्ट हैं इसके मेन। पार्ट इतना महंगा बिक गया पूरे ब्लॉक से भी ज्यादा, तो नो WDV, नो डेप्रिसिएशन। क्या आएगा? शॉर्ट टर्म गेन। अगर वो पार्ट पूरे ब्लॉक से ज्यादा नहीं बिका, कम में बिका, तो क्या आएगी? WDV B2। यही तो एक कैटेगरी है जिसमें क्या लगना है? डेप्रिसिएशन। सिंपल सी एक बात बता दूं, अगर आपने पार्ट बेचा तो कभी भी शॉर्ट टर्म लॉस तो आ ही नहीं सकता। जब आप एक पार्ट बेचोगे, ज्यादा में बेचोगे तो पार्ट वन यानी 21 में बेचा होता तो शॉर्ट टर्म गेन आ जाएगा, कम में बेचोगे तो क्या आ जाएगी? WDV। कभी पार्ट बेचने पे शॉर्ट टर्म लॉस नहीं आ सकता। कम में बेचूंगा, जितना मर्जी कम में बेच लो तो WDV आएगी। शॉर्ट टर्म लॉस कैटेगरी बी में कभी नहीं आ सकता शॉर्ट टर्म लॉस। या तो गेन आएगा शॉर्ट टर्म पार्ट वन में, या WDV आएगी पार्ट टू में, और डेप्रिसिएशन पार्ट टू में ही लगना है फीफो फॉलो करते हुए। तो नीचे पेज नंबर 12 लगा है, सेक्शन 50 में सारी स्टोरी लिखी हुई है। पेज नंबर 12 में कैटेगरी ए, B1, B2। नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल देख के समझा रहा है। पेज नंबर 13 पे देख लो कि कह रहा है ओपनिंग WDV कितने रुपए की एसेट्स की? 80,000। कैटेगरी ए का क्वेश्चन है, नई मशीन खरीदी कितने की ट्रेडिंग बिजनेस में? 20,000। ब्लॉक कितने का हो गया? 1,00,000। सपोज सारी एसेट्स बेच दे 8 फरवरी 2021 में 70,000 रुपए की, तो क्या होगा? सारी बेच दी तो कैटेगरी ए, कम में बेची ब्लॉक, तो नीचे सॉल्यूशन है देख लो। 1,00,000 की 70 में बेची तो कितना आ गया शॉर्ट टर्म लॉस? 30। नो WDV, नो डेप्रिसिएशन। पेज नंबर 13 पे ही सेकंड एग्जांपल है ए कैटेगरी का, अगर 120 में बेची होती 1,00,000 वाला पूरा ब्लॉक, 120 में बेचा होता तो 20,000 का क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म गेन। नो WDV, नो डेप्रिसिएशन। बी कैटेगरी पे आओ इसी पेज नंबर 13 पे, क्या कहता है? बिल्डिंग ए और बी कितने की पड़ी है? 80 और 140। कितने की? 220 की, बस खरीदी कोई है नहीं। बिल्डिंग ए बेच दी 2,50,000, अच्छा दो बिल्डिंग है, कितने की? 220 की, और एक पार्ट बेचा कितने में बेच दिया? 250, ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा, तो क्या आ गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितने रुपए का आ गया? 30,000 का। ओके, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा लो नेक्स्ट पेज पे। कहता बी टू का एग्जाम्पल कि अगर बिल्डिंग 1,00,000 में ही बिकी होती तो फिर ये तो कम में बिकी है, ब्लॉक तो 220 का है, बिकी 1,00,000 में तो 120 क्या गया? WDV कैटेगरी बी, इस पे क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन पूरे साल का, क्योंकि ये साल के शुरू की पड़ी है, पूरे साल का 10% बिल्डिंग पे 12,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। समझ गए कैटेगरी, सेक्शन 50 समझ गए? तो मैंने आपको इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवा दिया है, सेक्शन 50। डेप्रिसिएशन लगाने में इस सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये सेक्शन नहीं आता, हमारे पास बड़े लोग अकाउंटेंट लोग आते हैं, वही पुराना अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग बना के लाते हैं भी, इतने महीने यूज हुई इतना डेप्रिसिएशन, ऐसे नहीं होता इनकम टैक्स में। या तो लगेगा ही नहीं, या फुल ईयर या हाफ ईयर, महीने गिन के नहीं चलता कि 3 मंथ्स का लगा लो, 9 मंथ्स का लगा लो, ऐसे ये ब्लॉक सिस्टम इनकम टैक्स ऐसे ही बनवाएगा। गलत होते ही आपको नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स का कि आपका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन गलत है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको।